अच्छा बग्गा जी, एक सवाल और मेरे मन में है कि आपकी तो एक बड़ी राजनीतिक हैसियत है, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो आपकी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी हो गई, लेकिन अगर आपकी जगह कोई आम व्यक्ति होता तो फिर क्या उसको आपको लगता है कि नेता के खिलाफ बोलने की इस तरीके की कीमत चुकानी पड़ती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी होगा, भारतीय जनता पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व उसके साथ खड़ा होगा। और एक संदेश भी दे दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, अगर वो सोचते हैं कि दिल्ली में वो आएंगे और एक अपनी जो फोर्स को भेजेंगे जो किसी भी व्यक्ति को आतंकवादियों की तरह उठाएगी, आप सोचिए ना, मेरा अगर दोस्त सही भी था तो 50 लोगों की फोर्स को दिल्ली में भेजना कहां तक जायज था, बिना दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किए लेके जाना कहां तक जायज था, तो उन्होंने तो कानून का पालन भी नहीं किया। तो पार्टी ने उनको संदेश भी दे दिया कि अगर आप इस तरीके से अवैध तरीके से किडनैपिंग करने का, अवैध तरीके से गिरफ्तारियां करने का काम करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे। चलिए तो अब चलते चलते आपकी तरफ से कोई संदेश अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के लिए? देखिए, मेरा भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को तो संदेश देने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अभी इस अभिमान के अंदर है। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति जब अभिमान के अंदर आ जाता है उसको कोई संदेश देने का, कुछ बताने का फायदा नहीं होता। लेकिन मेरी भगवंत मान जी से निवेदन है कि जो भी बदनामी हो रही है वो आपके सिर पे आ रही है, पंजाब पुलिस के सिर पे आ रही है। पंजाब पुलिस को देश के लोग सम्मान से देखते थे, उन्होंने 80 और 90 के दशक में वहां पे आतंकवाद को खत्म किया था। वो अपनी प्रायोरिटीज तय करें, अपने पंजाब को सर्वप्रथम देखते हुए वो करें, अरविंद केजरीवाल की सुनना बंद कर दे, नहीं तो उसका खामियाजा भगवंत मान जी को भुगतना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।